बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लोनिंग। डियर स्टूडेंट, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्लोनिंग क्या है और क्लोन क्या है और क्लोनिंग किस तरह इसको सबसे पहले एडॉप्ट किया गया और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोन की। व्हाट इज क्लोन? क्लोन मीनिंग आइडेंटिकल कॉपी, हमशक्ल कॉपी। किसकी? किसी सेल की या किसी जानदार की। क्लोन इज एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ अ सेल आर ऑर्गेनिज्म। ये कॉपी हम कैसे बनाते हैं? थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली ये कॉपी जेनेटिक मटेरियल के हवाले से है और एक क्लोन बेसिकली जेनेटिकली सिमिलर होता है। अब उस क्लोन को बनाने का तरीका क्लोनिंग कहलाता है। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपी ऑफ अ सेल आर ऑर्गेनिज्म थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अब क्लोन और क्लोनिंग में क्या डिफरेंस होगा? क्लोन किसी भी सेल या किसी भी जानदार की आइडेंटिकल कॉपी क्लोन कहलाती है और उस कॉपी को बनाने का तरीका मेथड क्लोनिंग कहलाता है। नॉर्मली जानदारों में क्लोन तैयार नहीं होते सिवाय कुछ इंसेक्ट्स के और मोस्टली प्लांट्स के। ये क्लोन बनाते हैं लेकिन रेगुलर क्लोन ये भी नहीं बनाते। क्लोनिंग का ये तरीका, सबसे पहले स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट ने 1997 में अडॉप्ट किया। उन्होंने सबसे पहले एक शीप का क्लोन तैयार किया जिसका नाम था डोली। इसके बाद काऊ और माइस के क्लोन तैयार किए गए। डियर स्टूडेंट्स, पहला जानदार जिसका क्लोन बनाया गया था वो शीप थी, दूसरा काऊ और तीसरे नंबर पे माइस का क्लोन तैयार किया गया। क्लोन तैयार करने के लिए मेथड्स क्या था? बेसिकली स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट ने एक फर्टिलाइज्ड एग लिया और इस फर्टिलाइज्ड एग को एन्यूक्लिएट कर दिया। एन्यूक्लिएट मीन रिमूव देयर न्यूक्लियस और फिर एक फुली डिवेलप सेल लिया बॉडी का और लिया जाने वाला ये फुली डिवेलप सेल सोमेटिक सेल था। डियर स्टूडेंट्स, बताता चलो कि बॉडी में दो किस्म के सेल होते हैं, एक सोमेटिक सेल और एक सेक्स सेल। सेक्स सेल वो सेल हैं जो एग और स्पर्म की कैटेगरी में आते हैं और इनका काम होता है फर्टिलाइजेशन के नतीजे में
जानदार बनाना, यानी जानदारों के सेक्स में पार्टिसिपेट करना। जबकि सोमेटिक सेल बॉडी सेल है, दे नॉट टेक पार्ट इन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इस सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस लिया और इस एन न्यूक्लिएटेड सेल के अंदर उस प्रीवियस न्यूक्लियस से उसको बदल दिया। अब ये जाइगोट, अल्टर्ड जाइगोट कहलाया। अल्टर्ड मीन तब्दील शुदा, तब्दील शुदा इस हवाले से कि इसका अपना न्यूक्लियस नहीं था, इसके अंदर न्यूक्लियस एक फुली डेवलप सेल उस जानदार का जिसका क्लोन बनाना था वो लिया गया। फिर इस अल्टर्ड जाइगोट को ट्रांसप्लांट किया एक वोम्ब के अंदर। वोम्ब इज एक्चुअली यूट्रस ऑफ शीप, शीप की यूट्रस को वोम कहते हैं, उसमें इसको ट्रांसप्लांट कर दिया। अब ये डेवलप हुआ और डेवलपमेंट के नतीजे में एक बच्चा बना और बनने वाला वो बच्चा, बनने वाला वो इंडिविजुअल बर्थ के बाद वो आइडेंटिकल कॉपी था उस सेल, उस जानदार की जिससे फुली डेवलप सेल लिया गया था, जिसका न्यूक्लियस लिया गया था। तो इस तरह हमशक्ल कॉपी बनाना क्लोनिंग कहलाया और उस हमशक्ल कॉपी को क्लोन का नाम दिया। इस किस्म की क्लोनिंग को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग। ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग मीन क्लोन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जिसमें पहला ऑर्गेनिज्म, जिसमें पहला जानदार क्लोन किया गया शीप के हवाले से, और ये टेक्निक स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1997 में अडॉप्ट की। इसके अलावा सेकंड इज द एम्ब्रियो क्लोनिंग। व्हाट इज एम्ब्रियो क्लोनिंग? इन दिस वी क्लोन एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के क्लोन बनाना एम्ब्रियो क्लोनिंग कहलाता है। इन दिस डिवाइडिंग जाइगोट सेपरेट इंटू मोर देन वन सेल्स आर एम्ब्रियोज। डिवाइडिंग जाइगोट को जब अलहदा किया जाता है एक से दो जाइगोट में, दो से चार में, तो ईच सेल ऑफ द जाइगोट दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोमेयर हैव पोटेंशियल टू डेवलप इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल। अब इसके हर सेल के अंदर एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनाने की सलाहियत मौजूद होती है। अब हर डिवाइड होने वाला सेल अलहदा अलहदा एम्ब्रियो में तब्दील होता है। अब बनने वाले ये तमाम एम्ब्रियो एक दूसरे के हमशक्ल होते हैं, एक दूसरे के क्लोन होते हैं। सच टाइप ऑफ क्लोनिंग इज कॉल्ड एम्ब्रियो क्लोनिंग। दिस एम्ब्रियो क्लोनिंग इज जस्ट लाइक आइडेंटिकल ट्विंस इन ह्यूमन। इंसान के अंदर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। जुड़वा बच्चे दे आर एक्चुअली प्रोड्यूस फ्रॉम सेम जाइगोट, आर एक्चुअली आइडेंटिकल, वो एक दूसरे के हम शक्ल होते हैं। तो इस किस्म की क्लोनिंग को हम नाम देते हैं एम्ब्रियो क्लोनिंग। इस क्लोनिंग का फायदा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस में हम पहले नंबर पे देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोनिंग वी कैन प्रोड्यूस वैल्यूएबल
कैटल्स। डियर स्टूडेंट्स, बताता चलो कि जब हम अच्छी नस्ल के एम्ब्रियो के क्लोन बनाते हैं तो फिर हम इन एम्ब्रियोज को, एक टेक्निक है एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन, उससे हम एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट करते हैं उस स्पीशी के अंदर, और हम उसकी कई वैराइटीज, उसकी हम कई जो है ना वो बना लेते हैं, टाइप्स बना लेते हैं। तो सच टाइप ऑफ क्लोनिंग इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कैटल्स, स्पेशली रेस हॉर्सेस। दिस क्लोनिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यूजेनिक एम। यूजेनिक एम के हवाले से भी क्लोनिंग डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। यूजेनिक एम क्या है? टू इंप्रूव ह्यूमन जीनोम, इंसान के जिनियाती मादे को बेहतर बनाना यूजेनिक एम कहलाता है। थर्ड बेनिफिट इज टू क्लोन ह्यूमन ह्यूमन क्लोनिंग इज यूज्ड एज अ ऑर्गन डोनर ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। बट एथिकली दिस ह्यूमन क्लोनिंग इज नॉट गुड। डियर स्टूडेंट, इखलाकियात के हवाले से बाज लोग इंसान की क्लोनिंग को बेहतर नहीं समझते, इसी वजह से 2000 से इंसान की क्लोनिंग पे US ऑर्डर के हवाले से पाबंदी लगी हुई है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लोनिंग और क्लोन से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहन में आ सकते हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि नंबर वन पे डिफरेंस बिटवीन क्लोन एंड क्लोनिंग, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से सामने आ सकता है व्हाट इज ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग, नंबर थर्ड पे व्हाट इज एम्ब्रियो क्लोनिंग, नंबर फोर पे राइट अबाउट दी मेथड ऑफ क्लोनिंग एडॉप्टेड बाय स्कॉटलैंड साइंटिस्ट, एंड नंबर फाइव पे जो मेजर क्वेश्चन इससे बन सकता है वो है राइट अबाउट दी इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग। डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर एंट्री टेस्ट के हवाले से, थ्योरी के हवाले से और उससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। कोई भी प्रॉब्लम इस लेक्चर से रिलेटेड प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं सेटिस्फाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।